नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का बिना बाबत साहिल जैन के इस YouTube चैनल पे। आज का वीडियो मकराना की चकडुंगरी की क्वालिटी के ऊपर है। जो चकडुंगरी क्वालिटी उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो मैं नहीं मेरे कस्टमर भी आपको बताएंगे, तो वीडियो स्किप मत करना। मैं आपको सबसे पहले, मैं डायरेक्ट कुछ भी बात नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको जो स्लेब दिखाता हूँ, जो मकराना चकडुंगरी का स्लेब है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। और इसके पॉलिश का पीस भी आप देख सकते हैं साइड एंगल से। आपको अगर आप, मैं फ़ोन को 10 सेकंड तक यहीं स्टेबल कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। इसकी चकडुंगरी के ऊपर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मकराना की सबसे टॉपेस्ट क्वालिटी अगर पॉलिश आती है तो चकडुंगरी पे आती है। चकडुंगरी पे पॉलिश आने का रीज़न ये होता है कि इसका क्रिस्टल, जो इसका लस्टर होता है, आप देख सकते हैं इतना फाइन क्रिस्टल होता है। मैं वीडियो इतना इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरा देखना कि ये जो क्रिस्टल है, आप हमारे लोगों की कभी बात विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि सब अपनी चीज़ की तारीफ खुद करती है, ये आप भी जानते हैं। बट आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखिए कि चकडुंगरी का क्रिस्टल कितना फाइन आता है, कितना मोटा आता है, वो आपको मेरे कस्टमर बताएंगे, आप स्क्रीन पे सुनिएगा। बेस्ट है, बहुत लोग क्या होते हैं कि ओनली फीडबैक लेते हैं, बट फीडबैक के साथ जो क्वालिटी आपने ली है, एक बार आप वो पॉलिश पीस खोल के आप मेरे जो कस्टमर लाइव है उनको आप दिखाइए कि आपने क्या क्वालिटी ली है। तो लोगों का ये जो लोगों का रहता है कि भाई यहाँ मकराना क्वालिटी बहुत बोलते हैं कि बिना मार्बल पे नहीं मिलती है, तो उनको ये दिखाना चाहते हैं। आप ये पॉलिश पीस आप खुद खोलिए कि आपने कौन सी क्वालिटी ली है। देखिए, तो लोगों का भ्रम है कि जो लोग कहते हैं कि बिना मार्बल के हमें मकराना नहीं मिलती। मैंने देखिए ये पॉलिश लिया, ये जेनुइन चीज एकदम है। हां भाई, आप देखिए पूरा कैप्शन इसका पूरा है। और हम लोग वीडियो में एक चीज़ कहते हैं कि चकडुंगरी क्वालिटी मकराने की सबसे टॉप क्वालिटी होती है, उसका क्रिस्टल फाइन होता है। आप एकदम सामने से देख रहे हैं, एकदम पास से देख रहे हैं, इसका क्रिस्टल फाइन है या नहीं? एकदम बिल्कुल, देखिए जेनुइन, आप भी देख रहे होंगे वीडियो में, हो सकता है कि उतना ना आए, लेकिन जो आप यहाँ के देखेंगे ना, तो वो आप खुद ही अच्छा होगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। वास्तव में चकडुंगरी का जो एक क्रिस्टल इसका है एकदम मेंटेन है, जो होना चाहिए रियलिटी में वही असली वाला यही है। आपने सुना उनकी बात कि उन्होंने खुद ने जो चकडुंगरी के कट पीस लिए, जो स्लेब देख रहे हैं आप, इसी के कट पीस लिए, उन्होंने खुद ने पास से, वो पास में ही थे, उन्होंने बताया कि इसका क्रिस्टल कितना फाइन है। अब मैं आपको, मैं भी कैमरा करके यहाँ दिखा देता हूँ कि इसका क्रिस्टल कितना फाइन है। चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, कितनी भी लाइट गिरा दो, कितना भी, मतलब डायरेक्ट इस पर सनलाइट भी गिर रही है, तो भी इसका क्रिस्टल आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ जिगजैग आपको लाइन्स दिख रही है, ये सूरज की रोशनी की लाइन्स है, ये कोई आप क्रैक फिगर एंड और कुछ नहीं है। अब मैं और इसकी मेन चीज़ बता देता हूँ कि मकराना के अंदर ये चीज़ जो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बरन। ये आता ही आता है, ये आने का मतलब है कि 100% मकराना क्वालिटी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का सा बरन आएगा ही आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेरी खुद की हाइट 6 फीट के आसपास है, तो स्लेब की हाइट आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्लेब है, बहुत ही अच्छी साइज है। आगे से पीछे तक, पीछे से लेकर पूरा बॉक्स पैक है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, कहीं कोई क्रेक नहीं है। 2-4 पीस छोटे हैं, उनका मेजरमेंट लेस हो जाएगा। और हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्लेब के अंदर 10-15 पीस छोटे आने चाहिए। छोटे आने का रीज़न है कि क्यों आने चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये अपना पूरा स्लेब है, अगर रूम अपना 10x10 का है, तो 10x10 के रूम में क्या होता है कि दीवार से 1 फीट छोड़ के अपन एक बॉर्डर या पट्टी कुछ लगाते हैं। पट्टी लगाने के बाद जो स्लेब का पीस, तो बीच में बड़ा पीस तो आ जाएगा। अगर आपके पास पीछे के पीछे से अगर छोटे नहीं आएंगे, क्रेक नहीं आएंगे, तो उसमें से क्या होगा, जो क्रेक पीस है उसमें से कटिंग करके अपन 1 फीट का पट्टा या स्केटिंग से घुमा सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आगे से लेके पीछे तक पूरा सेम साइज़ आ गया, तो फिर बड़ा साइज़ को भी आपको काटना पड़ेगा। तो ऐसी तो अपना खुद का थोड़ा ज़्यादा वेस्टेज होगा, कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्रेक आना ही चाहिए, उससे अपन को बेनिफिट होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो क्वालिटी है, आप खुद यहाँ इसको सामने से आके अगर देखोगे, इसको टच करके फील करोगे, तो इसका फील बहुत ही अलग होता है। चकडुंगरी का फील अल्बेटा से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसका जो लस्टर है, इसका जो क्रिस्टल, इसका मतलब इस माल में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। नो डाउट अल्बेटा वाइट होता होगा या कुछ भी होता होगा, बट चकडुंगरी का जो क्रिस्टल आता है, जो फिनिशिंग आती है, जो स्मूथनेस आती है, आप बैठोगे ना, एक अल्बेटा पे बैठोगे, एक चकडुंगरी पे बैठोगे, बट मेरी लैंग्वेज में मेरी फर्स्ट चॉइस है मकराना चकडुंगरी, या तो चकडुंगरी या आइस मार्बल, जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। तो मैं सभी कस्टमर को यही कहना चाहता हूँ कि इसका जो टच आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ, यही क्वालिटी मैंने मेरे घर में लगाई है, मेरे खुद के रूम में और मेरे फादर के रूम में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पॉलिश आने के बाद, इसका फिगर मिलने के बाद कितनी बेहतरीन इस पर पॉलिश आई है। और ये पॉलिश हमारी लैंग्वेज में 60% पॉलिश है, इस पर मिरर पॉलिश होना भी बाकी है,
अब खुद इमेजिन कीजिए, जब अभी इतना चमक रहा है तो इसका जस्ट डबल मिरर पॉलिश होगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी। और मैंने आप देख सकते हैं कि फादर के रूम में कहीं जगह बॉर्डर भी दी है, तो वो इसलिए दिए क्योंकि कहीं वेस्टेज भी काम में आ जाए और उससे कुछ डिजाइन भी बने, तो अलग ही एक यूनिक फील देता है। तो ये क्वालिटी जो मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने खुद मेरे खुद के घर में भी लगाई है, आप देख सकते हैं। अब मेरे घर में जो मैंने चीज़ लगाई है वो 19 तो होने से रही, मैं चीज़ लगाऊंगा तो 21 ही लगाऊंगा क्योंकि मैं खुद नॉलेजेबल आदमी हूँ। तो ये क्वालिटी उससे भी बेटर है, उससे भी जंबो साइज है और पूरा फ्रेश है, पूरा क्रिस्टल फाइन है, हर चीज़ जितनी इसकी तारीफ़ करे उतनी कम है। और मैं इसको आराम से आप दोनों तीनों एंगल से इसको देखिए, इसका एक अलग ही फील है। और मैं सभी कस्टमर से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्वालिटी बार बार नहीं आती है, जितना जल्दी हो सके आप इसको बुक कर लीजिएगा। ऑनलाइन मेरा काफ़ी जगह माल जाने वाला है और आप भी मेरे कंटिन्यू स्टोरीज़ वगैरह सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन लोडिंग अभी बम्पर लोडिंग हो रही है। कस्टमर हम लोग पे इतना ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं कि उनको यहाँ आना पसंद नहीं है, वो हम पे इतना विश्वास करते हैं कि फ़ोन के ऊपर हमारी क्वालिटी पहुँच जाए। पहुँचने के बाद भी कस्टमर्स के फीडबैक हमारे पास आते हैं, आप उनसे बात कीजिए कि वो कितना सेटिस्फाई है, वो जो क्वालिटी देखते हैं वो जो सोचते हैं उससे भी हम 21 वो पहुँचाते हैं। क्योंकि ये क्वालिटी है, हम इसकी जितनी एक्चुअल तारीफ है उतनी हम इसलिए नहीं करते, हम जो नॉर्मल है इसका वो बताते हैं कि भाई इसमें ये क्रिस्टल फाइन है, ये है साइज है, इंडोल है, ये मकराना है, चकडूंगरी है ऐसा। तो वहाँ जाने के बाद इसको जो इसकी पॉलिश, इसका जो अट्रैक्शन दिखता है वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी से यही वापस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्वालिटी जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Bina Marble Industries exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.